यहाँ कोई रियल एस्टेट का दफ्तर है? मुझे नहीं मालूम। तुम रियल एस्टेट धनराज को जानते हो? नहीं जानता। ठीक है। हाय बेबी, हाउ आर यू? ए, तू कब आई लंदन से? कल ही आई। तू लंदन आने वाली थी, क्यों नहीं आई बोल? आने का मौका ही नहीं मिला। कोई मजनू मुझे घूर रहा है। जस्ट वन मिनट, ओके? ओके। ये? वो चला गया। सोची मुझसे मिलने आ रहा है। मैंने कुन को देख रहा है। तू बोल। So tell me what's happening? मेरी डार्लिंग आजकल इतनी बड़ी तो जरूर हो गई होगी। अगर इतनी भी हाइट हो गई है तो चलेगा। मिलते ही सीने से लगाऊं। मेरी जाने मन, मेरी जाने तम। लगता है कोई पागल है। कैसी है तू मेरी जाने बहार? स्टैचू से लिपट के प्यार कर रहा है। मेरी जाने वफा को भी यही ड्रेस पहना दूंगा। रेट कहाँ है? यहाँ है। यहाँ होगा। क्या कर रहे हो? स्कर्ट उठा के देख रहा हूँ। That's why I'm asking. तुम्हारा तो नहीं उठाया ना? What? क्या मतलब है तुम्हारा? तुझे तो कुछ नहीं किया ना, तू खामोखा टेंशन क्यों ले रही है? तुझे कह रहे हो? What rubbish are you talking? Don't you have any respect for women? Hello, madam. मैं तुझ जैसा कॉन्वेंट बेबी नहीं हूँ, चेन्नई झोपड़पट्टी। थोड़ी स्मेल आती होगी, बासी खाना जो खाता हूँ। What बासी? Oh, double meaning dialogue. Sir, look at him. He's talking so much of bullshit. ऐसे लोगों को कॉम्प्लेक्स में कौन आने देता है? आप जाइए, मैं देख लेता हूँ। आप जाइए ना। मैं देख लूंगा। क्यों बे? लड़कियों को परेशान करता है, है? है? अच्छा है भाई, वोल्वो बस की तरह तगड़ा है तू। इस गाड़ी को देखा है? मेरा चेसिस नंबर जानता है तू? दिखा दूं? चार चार सिलेंडर है, इसुजु इंजन। हॉर्स पावर ज्यादा है। पावर नहीं, चर्बी ज्यादा है साले। यहाँ मार पड़े तो नस बाहर निकल आएगी, कस के पकड़ सकता हूँ। जिस नस को पकड़ के यहाँ से ऐसे उखाड़ू तो 100 मीटर की रस्सी बन जाएगी। बोल, उखाड़ू क्या? अबे छोड़ छोड़। अबे आवाज मत कर। अरे क्या है यार, मैं यहाँ आधे घंटे से इंतजार कर रहा हूँ और ये साला विजय अभी तक नहीं आया। भाई, मैं हूँ विजय। छोड़। सॉरी डार्लिंग। सॉरी यार, तुम्हें पहचाने बिना नस उखाड़ रहा था। ये लो रुपए। थैंक्स डार्लिंग। कॉफी पी लो डार्लिंग। डार्लिंग, तुम रियल एस्टेट धनराज को जानते हो? ए संजू, तुम मोंटी के घर गई थी ना? हाँ। उसके माँ बाप ने तेरे साथ अच्छे ढंग से बात की? उसके माँ बाप ने इतनी गालियाँ दी कि गले में फांसी लगा के मरने को मन किया, लेकिन सारी गालियाँ तेरे लिए है सोच के मैंने लाइट ले लिया। छोड़ ना संजू, दुखी होने की वजह से कहा होगा। अच्छा संजू, मोंटी अभी बहुत हैंडसम हो गया होगा ना? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन बस में मुझे एक रियल हीरो मिल गया था, रजनीकांत। उसने बस में जो फाइट की दीदी। आहा। ए, चुप हो जा, मैं मोंटी के बारे में पूछ रही हूँ, तू ना जाने किसके बारे में बोल रही है। मोंटी मेरे डार्लिंग, तू कहाँ है मेरी स्वीट हार्ट? तुम कहाँ हो? जल्दी कर। அடடா அண்ணா, நீங்களும் தமிழ் தானா? ஆமா அண்ணா. சூப்பர், एक தமிழ்நாடு ஸ்ட்ராங் டீ दे दो அண்ணா. ஓகே அண்ணா, அண்ணா को एक ஸ்ட்ராங் டீ. அண்ணா, तुम कब से यहां हो? मैं यहां 10 साल से हूं. हां, ये घर तो शानदार है. किसका है? शिव भाई का घर है. बहुत बड़ा डॉन है वो. वो यही रहता है? नहीं नहीं, वो दिन में यहां रहता है, रात को कहीं और चला जाता है, अपने रखेल के पास. रखेल के पास? अरे वाह अण्णा. अच्छा अण्णा, तुम किसी रियल एस्टेट धनराज को जानते हो? नहीं जानता। सॉरी सॉरी, நீங்க வேலைய பாருங்க. ஹலோ பாஸ். எஸ் சார். சாய் லானா. ஓகே சார். छोटू, कहाँ हो? Hey. छोटू, छोटू, Where is my चुआवा? क्या चुआवा? Yeah. जो लाल कमीज पहना हुआ है? Yeah. छोटे कद का, जिसके पीछे एक दुम भी है, वही है ना? Where is he? ये मत बोलना कि वो डब्बे के अंदर है।
बोल दिया तो मार डालूंगी। क्या मार डालेगी? हा? कुछ ज्यादा ही फुदक रहा था इसलिए डब्बे में बंद कर दिया। आके मुझे चाट रहा था और मुझे चटोरे हरगिज पसंद नहीं। कुत्ता है तो वैसे ही चाटेगा, समझे? रुको रुको रुको, ये कुछ अलग वैरायटी का है। देखता हूँ ये कुत्ता है कि बिल्ली। आखिर तुम्हारी बीमारी क्या है? कभी स्कर्ट उठा के देखते हो, कभी टांग हटा के देखते हो। I think you're some kind of a pervert. क्या? मुझे पराठा का? फिर मुझे पराठा का तो उठा दूंगा। ए, चन्नी वाला गुंडा! है? कौन है रे तू? मुझे मार देगी? मेरा साइज देखा है तूने? तू इतनी सी है, समझ में नहीं आ रहा तुझे मारू या छोड़ दू। सुनो, फिर कभी चाटाना तो जबान खींच लूंगा, इसकी नहीं तेरी। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे। इसका चेहरा देखता रहूंगा तो लाइन कभी नहीं मिलेगी, मनहूस कहेगी। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। अरे सारी दुनिया जानती है कि तुम जंगली हो, फोन उठाने की फुर्सत नहीं है क्या? बड़े उठाने का काम तुम्हारा है। हेलो हेलो आंटी, मैं गुड्डी बोल रही हूँ। मोंटी वापस आ गया। इतना डांटने के बाद भी तुझमें लाश शर्म नहीं है? माफ कीजिए आंटी, मोंटी घर आए कि नहीं पता लगाने के लिए। कहाँ ना फोन रख। कितनी बार तुझे? I'm calling from ICICI bank. बोलिए बोलिए। आपके नाम पर 5 लाख डिपॉजिट है। 5 लाख? यस मैडम, आपके नाम का चेक रेडी रखा है। बैंक में आएंगी तो सब समझा दूंगी। पहले आप नंबर लिख लीजिए। एक मिनट मैडम। हाँ अब बोलिए। 9989 5729 5729। हाँ इस नंबर का क्या करूँ? मोंटी नाम के लड़के ने आपके नाम पे ये डिपॉजिट किया है, वो इस नंबर पे फोन करेगा तो आपको चेक मिल जाएगा। ए चुड़ैल, तेरी नजर में मैं कोई बेवकूफ लगती हूँ क्या? मैं तेरा सर फोड़ दूंगी। बेशरम कहीं की, रख फोन। कहती है ऐसे फोन कर। किसका फोन था? और किसका? पड़ोस के घर की गुड्डी का। मुझे फोन नंबर देके कहती है मोंटी से फोन करो। पता नहीं क्या समझ रखा है, जंग के टेलीफोन ऑपरेटर है। बाजों का रोड है, छुट्टा कर लेता हूँ। मोंटी का फोन नंबर तुम्हारे पास है? वो हैदराबाद में है ये जानता हूँ, लेकिन उसका नंबर मेरे पास नहीं है। अभी अभी मुझे उसकी गुड्डी का फोन नंबर मिला है, इसे किसी भी तरह मोंटी को देना होगा। गुड्डी ने नंबर दिया है? तुम फिक्र मत करो अंकल, मैं सीधा हैदराबाद जाकर उसको ये नंबर दे देता हूँ। ओके सुनो अंकल, हम हमेशा उसको मोंटी मोंटी कहकर पुकारते हैं, लेकिन उसका असली नाम क्या है अंकल? बनवारी। बनवारी? ये सरासर ना इंसाफी है। क्यों? तुम्हें जो तुम्हारे बाप ने प्रभाकर जैसा शानदार नाम रखा है, तुमने अपने बेटे को बनवारी जैसा फर्नीचर नाम क्यों रखा? मेरे बाप ने मुझे अच्छा नाम रखा, इसी खुशी में मैंने उसको अपने बाप का नाम रखा, बनवारी। किसी भी तरह उसको पहुंचा दो। जाओ। हेलो, गुड्डी है? गुड्डी एक मिनट। अरे गुड्डी कहाँ है देखना। शिवा भाई, गुड्डी सो रही है जी। सो रही है? तुम लोग आपस में मिलकर ड्रामा कर रहे हो, मैं जानता हूँ। उससे मुझे फोन करने के लिए बोल। हाँ अच्छा। क्यों रे, क्या हो रहा है? कहाँ तक पहुँचा? उसे कब मारने वाला है? आज रात को। हाँ आज रात को? हाँ आज रात को मारने वाला है। किसे किसे मारने वाला है तुझे पूछो? सामने शिवा भाई है, कोई मामूली आदमी नहीं। उसे जाके इस लौंडे को आए 2 दिन भी नहीं हुए। ए, तूने उसे शिवा भाई को ठीक से दिखाया? मैंने ठीक से दिखाया। क्या दिखाया कौन जाने। ए, किसे समझकर किस पर निशाना लगाया उसने? फिर से एक बार पूछो उसे। ए, अरे तू किसको मारने वाला है? और किसको? शिवा भाई को। कहाँ पे? मोहलाली के पास। शिवा भाई मोहलाली क्यों आएंगे? वो वहाँ जरूर आएगा, वहाँ उसकी रखेल है। उसकी कोई रखेल भी है? कि मैं क्या सुन रहा हूँ, हमें पता ही नहीं। उसने कहा तो वो सच होगा, उसे मत रोको। उसे एक ही बात कहना कि चूक ना जाए।
शिवा भाई को मारना हो तो गन लेके आना चाहिए, ऐसे धारिये से काम नहीं चलेगा चिरकुट। मेरे इलाके में आके मेरे ही बारे में पूछताछ करो और मुझे पता ना चले। मेरी कोई रखेल सुनते ही उसे सच मानकर मुझे मारने के लिए यहाँ चला आया सिल्ली पेलो। मेरी कोई रखेल नहीं है, लेकिन तू मेरे हाथों में फंस गया है। कहे तो यहीं टपका दूं। क्यों बे, क्या हुआ? शिवा भाई मिल गया है, लेकिन यहाँ जरा भीड़ ज्यादा है, आधा घंटा लग जाएगा। काम खत्म होने के बाद मैं खुद फोन करूंगा। अभी तो क्या अंधा है, 25 लोगों से घिरा है तो, और सामने शिवा भाई है। है तो डर नहीं है? वो क्या है, ए, तेरे दिमाग का कोई स्क्रू ढीला तो नहीं हो गया है? कुछ ढीला नहीं हुआ है, सब कनेक्शन ठीक है। मैं यहाँ आया हूँ तेरा फ्यूज उड़ाने के लिए। मैंने बहुत से लोगों को मारा, लेकिन कभी किसी पागल को नहीं मारा। I hope you are not mentally retarded. Yes. Hey, टपका दो इसे। गोली नहीं, काफी दिलचस्प है, बिना गन के मारो से। चाय बोल। Strong chai bol. आंखें खोल, अबे सारे आंखें खोल, मेरी बात सुनाई दे रही है? तू कमाल की चीज है यार। आई लव यू साले।